पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव नतीजों की बात से भाजपा से निलंबित चल रहे पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया अब जनसंवाद पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 80 किलोमीटर की यह पदयात्रा होगी जो कि 4 दिन की रहेगी। उसके बाद अगले चरण प्रारंभ होंगे। पदयात्रा के दौरान वह लोगों से अपनी बात कहेंगे और उनकी भी बात सुनेंगे। ये पहला चरण है, उसमें 32 गांव है, 80 किलोमीटर की यात्रा है, वहीं रुकना है, सुबह रात वहीं रुकना है, उन्हीं के बीच रहना है, सबके बीच में। और ये पहला चरण की है, 4 दिन। फिर उसके बाद गाजीपुर में जलसा है, उस कथा है, तो उस कथा के लिए 1-2 दिन कुछ दिन आएंगे और फिर यात्रा आगे दूसरे चरण की शुरू होगी। कहाँ से शुरुआत करेंगे? अभी माँ सतजरू बांध से जलाभिषेक शुरू करेंगे, वो हमारा तीर्थ स्थान है। वहाँ से जलाभिषेक करके देवरी जमालर से यात्रा शुरू होगी और फिर हिमालय घाट पर कल रात ख़त्म होगी, वहाँ रात न रुकेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सिद्धार्थ मलैया जिले में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर भी कटाक्ष करने से नहीं चूके। उन्होंने इशारों में इन अपराधों को रोकने के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया जो इस समय राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। देखिए, अपराध बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं है। अपराध पर काबू पाया जा सकता है इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब जो लोग जहाँ पर हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कुछ चीज़ बदलने की, कुछ चीज़ कहने की, मैं अपेक्षा रखता हूँ उनसे, जैसा जनमानस अपेक्षा रखता है कि वो उस बारे में कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे। और बिल्कुल हो सकता है, अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। ये तो अब इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं जो किसी को पता नहीं है। अगले वर्ष चुनाव होना है विधानसभा का, इस यात्रा को उससे जोड़कर कैसे देख सकते हैं? जुड़ी हुई है बिल्कुल। जब लोगों से संपर्क बना रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, लोग खड़े करना चाहते हैं गांव-गांव, जो उस गांव के लिए कृषि की बात को ले जा सकें, आगे ले जा सकें, हमारी बात को भी आगे ले जा सकें, क्यों नहीं, जुड़ा हुआ है।